चाची। हाँ। चाचा जी सुबह फोन करिए, चलिए। कहाँ थे आप, मैं कब से ढूंढ रही हूँ आपको। क्या हो बड़ी बहू, ऐसे परेशान लग रही हो जैसे उड़ैया सांप देख लिया हो। जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना, उससे आपको सांप सूंघने वाला है। क्या हुआ, कहा है बड़ी बहू? हुआ नहीं, होने वाला है। घर वाले देव की दोबारा शादी करवाने की सोच रहे हैं। क्या बात कर रही हो बड़ी बहू? मैंने अपने कानों से सुना है, आंखों से देखा, और अगर ऐसा हो गया चाचा जी तो आप जानते हैं ना क्या होगा। अर्जुन का देव की जगह लेने का सपना मिट्टी में मिल जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हमारा इस घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा। आपको याद है ना, जब हम विशाखा को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे थे तो हमारे सामने सबसे बड़ी दीवार बनकर कौन खड़ी हुई थी? वो राधिका। जी हाँ, और अब उसी राधिका की देव से शादी कराकर उसे घर की छोटी बहू बनाने की सोचा जा रहा है। इनफैक्ट सब कुछ पक्का हो गया है, सिर्फ देव की राधिका से बात करने भर की देरी। एक बार राधिका ने हाँ कह दिया तो रिश्ता पक्का। नहीं बड़ी बहू, कुछ भी पक्का नहीं होने देना है। अगर ये रिश्ता हो गया ना, हमारे आगे के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। और अगर देव को ऐसी पत्नी मिल गई तो उसकी ताकत बन जाएगी और घर को बिखरने से भी बचा लेगी। नहीं बड़ी बहू, जमीन आसमान एक करना पड़े पर ऐसा नहीं होने देना है। माँ, आपने बाबूजी को देखा? माँ जी आपने देखा? नहीं बेटा, हम लोग तुमसे बाद में बात करते हैं। तुम्हारी अम्मा से गुजर ही बात करनी है। आई ना। राधिका, आपने मुझसे खुद ही कहा था ना कि जो कुछ भी करेंगे अब काना करेंगे, तो फिर आप क्यों बार बार कोशिश कर रहे हैं बात करने की? पर राधिका, मैं तो वही बात करना चाहता हूँ जो खुद काना ने तय की है। सुनो। क्यों, जानना नहीं चाहोगे? ये बाबू देखिए, हमारे महोत्सव की गरिमा बढ़ाने के लिए कौन आए हैं। नमस्ते। राधे राधे। भाई आप लोगों को यहाँ देख के आत्मा प्रसन्न हो गई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देव भैया, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। भगवान करे इस जन्माष्टमी कान्हा आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। वो तो पूरी हो ही गई। शास्त्री जी कहाँ हैं राधिका? बाबूजी यहीं कहीं होंगे। कान्हा जन्म तो होने ही वाला होगा ना? जी, सब उसका इंतजार कर रहे हैं। देव भैया, हमारे गुजरात में कान्हा के जन्म से पहले रासलीला को गरबे के रूप में मंच पर उतारा जाता है। इसका मतलब है हमें कान्हा की एक और रासलीला देखने मिलेगी। आइए आइए ना, आइए। अरे बाबू, आप श्री को लेकर अंदर चलिए ना, हम थोड़ा देव बाबू से बात करें, बहुत जरूरी। जी। नहीं चाचा जी, आज ही आप देव भैया से सारी बातें कर लेंगे। अभी तो उन्हें हमारा गरबा भी देखना है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल, आइए ना। चलिए चलिए।
जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, जो है अलबेला मदनैनो वाला, जिसकी दीवानी ब्रिज की हर बाला, वो किसना है, वो किसना है, किसना है, किसना है। छोरी यहाँ यहाँ तो उसे कहा था ना घर जाने को, तू अभी तक यहाँ ही खड़ी है। अम्मा, वो बाबूजी ने मुझसे कहा था कि कृष्ण जन्म और महाआरती के बाद हम बाबूजी की अम्मा हैं। जो हम कह रही हैं उकर, तो निकल यहाँ से, जाना घर, निकल। अगर अंदर आरती में दिखी तो टांग तोड़ देंगे।
हाथी घोड़ा पाल की, 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 हाथी घोड़ा पाल की। गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। यशोदा नंदन राधे राधे, देवकी नंदन राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, गोपाल राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे, मेरी अर्धांगिनी बने, मेरी अर्धांगिनी बने, मुझसे शादी करो, मेरी अर्धांगिनी बनो, केशव माधव राधे राधे, गिरधर नागर राधे राधे, गोपाल राधे राधे। ऐसा नहीं हो सकता, गोपाल राधे, उन्होंने मुझसे ये कहा ही नहीं, ये मेरा भ्रम है। यशोदा नंदन राधे, कैसा खेल खेल रहे हो काना, मैं जानती हूँ कि मेरा भ्रम है। वो मेरे सामने शादी का प्रस्ताव रख रहे, नहीं काना, मैंने ही शायद कुछ गलत सुना है। तुमने सही सुना है राधे, यशोदा नंदन राधे राधे, देवकी नंदन राधे राधे, गोविंद माधव राधे राधे, गोविंद गोपाल राधे राधे। मुझसे विवाह करो, बनोगी मेरे घर वालों की छोटी बहू, छोटी बहू, छोटी बहू। ओ
इतना क्यों सोच रही हो राधिका? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आप कैसे भूल गए कि आप मेरी बहन विशाखा के पति हैं? देखो राधिका, मैं समझ सकता हूं तुम क्यों नाराज हो, लेकिन जो कुछ भी अभी मैंने तुमसे कहा है वो सब कुछ देखकर, हालात को समझकर कहा है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो आपको मुझसे ये बात कहने के लिए मजबूर करे, विशाखा आपकी पत्नी है, आपसे दूर है, आपको छोड़कर जा चुकी है, वजह कुछ भी हो, आपका इस तरह से विवाह का प्रस्ताव रखना गलत था। राधिका, ऐसा कुछ भी कहने से पहले मेरी बात सुन तो लो। मैं आपसे पहले भी कह चुकी हूँ, आपसे विनती कर चुकी हूँ कि हमारा कुछ भी कहना ठीक नहीं होगा। अब कृपया करके आप मुझसे दूर ही रहिए। मैंने पहले ये बात सबको नहीं बताई थी, वो सिर्फ इसलिए कि ये प्रस्ताव स्वीकार करना जरा मुश्किल लग रहा था, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसको सुधारने का मुझे यही एक उपाय दिखा। आपने बहुत अच्छा निर्णय लिया दादी माँ, मैं बहुत खुश हूं। मुझे सुनकर अत्यंत हर्ष हो रहा है माजी कि हमारे प्रस्ताव को सब ओर से समर्थन मिल रहा है। बस अब देव और राधिका जल्दी से अपना फैसला सुना दे तो हम उनकी सगाई कर दें। मेरे ख्याल से अब तक देव ने राधिका से बात तो कर ही ली होगी और राधिका ने भी जरूर हामी भर दी होगी। हम देखें। राधे राधे। अच्छा, तो हमको वहां छोड़ करके यहाँ घर के बड़े बुजुर्गों का गोलमेज बैठक चल रहा है। सुशील, आप तो हमको बस एक ठो बात बताइए चाची माँ, आप हमें अपना मानती हैं कि नहीं? और अगर अपना मानती हैं तो ये बार बार कदम कदम पर हमें अपमानित क्यों किया जाता है? सुशील, हम तो कहा चाची माँ, अरे देव बाबू कोई निर्णय या फैसला हमसे छिपाते हैं तो हम नादान समझकर उनकी बात को भूल जाते हैं।
लेकिन आप और भाभी जी, अरे ऐसा मुंह पे जूता मारने से तो बेहतर होगा साफ साफ कह दो सुशील घर छोड़ के चला जाए। बंसी बजैया की कृपा से आगरा वाले मकान के दो ठो कमरे में अपना जिंदगी का बचा खुचा दिन गुजार देंगे। सुशील, कैसी अनाप शनाप बात बोल रहे हो? अनाप शनाप वो नहीं है जो हम कह रहे हैं चाची माँ, अनाप शनाप वो है जो आप करने जा रही हैं चाची माँ। हम पूछते हैं कि राधिका और देव की शादी का ये बेतुका और वाहियात सुझाव दिया किसने आपको? मैंने। मैं ही देव बाबू के लिए राधिका का प्रस्ताव लेकर माँ जी के पास गया। परिस्थितियों के अनुसार मुझे यही उचित लगा। मेरा ही सुझाव था कि देव बाबू राधिका से विवाह करके उसे अपनी अर्धांगिनी बना ले। हमको मालूम था ये सूखे पत्ते में चिंगारी फेंकने का काम आप ही कर सकते हैं। आप जैसे ज्ञानी पुरुष से और उम्मीद भी काटी जा सकती है। अरे आपका एक बेटी ने हमारे घर में घुस के हम सबको परेशान कर दिया, पूरे घर की दीवारें हिला दी और हम सबके मुंह पे कालिक पोत कर भाग गई। अब आप अपनी दूसरी बेटी को भेजना चाहते हैं ताकि उसके कदम पड़ते ही हमारा घर रेत के महल की तरह भरभरा गिर जाए। अरे हम पूछते हैं कि हमसे ऐसा क्या दुश्मनी है आपका जो आप हमें बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? सुशील बस करो। नहीं चाची माँ, आज हम चुप नहीं रहेंगे। बड़ा गर्व है हमें पुरोहित खानदान पर और हम इसके नाम को बदनाम नहीं होने देंगे। राव शास्त्री जी, जानते हुए कि देव बाबू एक राजपुरोहित है, आप एक ऐसी लड़की का रिश्ता राय है जिसके न जात का पता है न कुल का। न धर्म का न नाम का। आपने सोच कैसे लिया कि ऐसी लड़की देव बाबू के साथ चार लोगों के बीच में खड़ी भी हो सकती है? सुशील जी सही कह रहे हैं लल्ला, राधिका का ब्याह पुरोहित खानदान में ना हो सकत है। जात पात का कौनो पता नहीं, जाने किसका पाप है वो। बस हम आप इस विषय में कुछ भी न कहें यही उचित होगा। अब किस किस का मुंह बंद करेंगे आप शास्त्री जी? जो भी सुनेगा वही कहेगा जो हम कह रहे हैं। सुशील तुम जो कह रहे हो ना उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई मतलब नहीं, कोई लेना देना नहीं कि राधिका की जात कुल या धर्म क्या है। वो एक संस्कारी लड़की है। ये प्रस्ताव शास्त्री जी ने अपने फायदे के लिए नहीं रखी थी हमारे सामने। उन्होंने देखा था
कि पत्नी के बिना देव की कैसी बेइज्जती हुई, उसका कैसा अपमान हुआ। और अपमान किया किसने? अपनों ने। और हमें सिर्फ देव की फिक्र है, सिर्फ देव। इसलिए हमने ये प्रस्ताव स्वीकार किया है। ये बात कहकर आपने हमको हमारी औकात बता दी चाची। अच्छा है कि आज चाचा जी और भाई साहब जिंदा नहीं, और अगर आज वो जिंदा रहते ना तो इनकी बदौलत खून के आंसू रो रहे होते। देख लिया बड़ी बहू, भाई हम तो ऐसे लोगों के बीच में एक पल भी नहीं रह सकते जो एक बेतुके और वाहियात निर्णय में हाँ मिला रहे हो। हम जा रहे हैं। रुक जाइए चाचा जी, मैं भी आपके साथ चल। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि एक नौकरानी मेरी देवरानी मनने जा रही है। सब घुट रहा है मेरा इस कमरे में, मैं भी जाती हूँ। एक बात कान खोलकर सुन लो, मरते मर जाएंगे पर इस निर्णय को स्वीकार नहीं करेंगे। शास्त्री जी, सुशील और बड़ी बहू की तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूं। हमारे घर में राधिका के प्रति अच्छे बर्ताव की जिम्मेदारी हम दोनों पर है। हाँ शास्त्री जी, और आपसे एक विनती है, आप जल्द से जल्द राधिका का जो भी फैसला है वो हमें बता दें। इस बारे में और देर नहीं करनी चाहिए हमें। अब तो तुम जान चुकी हो कि हमारे रिश्ते की बात तुम्हारे बाबूजी ने की है। क्यों? क्यों बाबूजी ऐसा करना चाहते हैं? वो क्रोध में नहीं समझ रहे हैं। उनके ऐसे करने से क्या हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर क्यों राधिका, आखिर तुम क्यों इनकार कर रही हो? क्योंकि मैं विशाखा को पति उससे नहीं छीन सकती। राधिका तुम तो जानती हो ना कि मैं विशाखा से कभी शादी करना ही नहीं चाहता था। विशाखा से मेरी शादी एक धोखा है, एक बहुत बड़ी भूल है जिसकी वजह से 3 जिंदगियां बर्बाद हुई है। और अब वो वहां है जहां वो होना चाहती थी, तो हम दोनों यहां एक नई जिंदगी क्यों नहीं शुरू कर सकते? क्योंकि समाज के लिए विशाखा आपकी पत्नी है और ये सच कोई नहीं झुठला सकता। और जो सच तुम झुठला रही उसका क्या? मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं कि विशाखा ने वापस आने से मना कर दिया है। उसने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, यहां तक कि वो अपना मंगलसूत्र भी मुझे लौटा चुकी है। तो फिर मैं उसका इंतजार क्यों करूं? सब यही सोचते हैं
कि विशाखा लौट कर नहीं आएगी। बाबूजी ने भी उसे मरा हुआ मान लिया है, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं कि वो मेरी बहन है और मैं जानती हूं वो लौट कर जरूर आएगी। बार बार यही बात दोहराने से ये सच नहीं हो जाएगा राधिका, और जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ कान्हा की मर्जी से ही हो रहा है। उनकी मर्जी से ही तुम आश्रम से संसार में वापस लौटी हो, उन्हीं की मर्जी से बाबूजी ने हमारे रिश्ते की बात की है। राधिका वो चाहते हैं कि हम दोनों एक हो जाएं। नहीं, ये कान्हा का निर्णय नहीं हो सकता, इस निर्णय को नहीं मानूंगी। राधिका तुम अभी परेशान हो, इसलिए तुम सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रही हो, पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा और जो भी फैसला लेना यही सोच कर लेना कि हम दोनों के बीच विशाखा ना कभी थी ना है और नहीं रहेगी। राधिका ने दामाद बाबू? कुछ नहीं, बाबूजी राधिका के लिए यह फैसला लेना आसान नहीं होगा, वो अपनी बहन से बहुत प्यार करती है। आपने भले ही विशाखा को मरा हुआ मानकर उसका तर्पण कर दिया, पर राधिका अपने दिल से अपनी बहन का तर्पण कभी नहीं कर पाएगी। मैं उसकी हालत जानता हूं बाबूजी, इसलिए आपसे विनती कर कि ये फैसला लेने के लिए राधिका को थोड़ा समय दे। आप सत्य कह रहे हैं दामाद बाबू, हम उसे निर्णय लेने के लिए विवश नहीं कर सकते। मैं चेष्टा करूंगा कि उसके मन में जो उलझने हैं, जो प्रश्न हैं, उनका समाधान कर सकूं। समझता है ये शास्त्री कि वो चाल पर चाल चलते जाएगा और हम चुपचाप बैठे उसे देखते रहेंगे। हम भी देखते हैं इस शादी कैसे होता है। चाची माँ, हमको जो है आपसे कुछ बात करनी है अभी इसी वक्त। बात तो मुझे भी करनी है सुशील तुमसे, और अभी। कि तुमने तो आज बदतमीजी की सारी हदें पार कर दी। शास्त्री जी का अपमान किया
उनकी बेटी का अपमान किया, राधिका के कुल और जात के बारे में प्रश्न उठाया, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि हमें इन सब चीजों में विश्वास नहीं है। 50 साल पहले मेरे पति ने उन लोगों से मंदिर में पूजा करवाई थी जिसे गांव वाले नीच समझते थे। इतने महान व्यक्ति के भतीजे होकर तुमने इतनी ओछी बात कही वहां पर। मैं चुप रही सिर्फ इसलिए कि मैं तुम्हारी तरह दूसरों के घर में तमाशा नहीं करना चाहती थी। जो सच बात हम बोल रहे थे उस चुप। आइंदा तुम ये सवाल फिर से नहीं उठाओगे, समझे? और ना ही शास्त्री जी का अपमान करने की कोशिश करोगे। शास्त्री जी वृंदावन के माने हुए पंडित हैं और हमारे समझी हैं, जो हमें इस मुश्किल से उबारने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हुआ देव? देव बेटा बता ना, क्या कहा राधिका ने? हाँ कहा? नहीं राधिका, वो अब भी यही समझ रही है कि वो अपनी बहन का अधिकार छीन रही है। मैंने उसे सोचने के लिए समय दिया है। समझ सकती हूँ, जिसने हमेशा दूसरों के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दिया, वो आज अपनी झोली में खुशियां लेने से पहले 100 बार सोचेगी। थक गया होगा तो ज्यादा के आराम कर ले। तुम्हें मुझ पर क्रोध आ रहा होगा ना? मैं अपनी बात नहीं रख सका। तुम्हें वचन दिया था कि मैं विवाह के विषय में तुमसे उस समय तक कुछ नहीं कहूंगा जब तक तुम स्वयं आकर मुझसे न कहोगे, किंतु मैं विवश हो गया था बेटा। जिस दिन मैंने देव बाबू को अपमानित होते हुए देखा, केवल इस कारण कि उनके वाम अंग में उनकी अर्धांगिनी नहीं थी। उनके हर दुख का उत्तरदायी केवल मैं हूं, किंतु बेटा मेरा मन कहता है कि उनके दुख को केवल तुम दूर कर सकती हो। यह निर्णय लेना हम लोगों के लिए जितना जटिल था उससे कहीं अधिक तुम्हारे लिए कठिन है बेटा। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता ने उचित निर्णय नहीं लिया है तो तुम्हें इस विवाह से ना कहने का पूर्ण अधिकार है बेटा।
बताओ राधिका, तुम्हारा निर्णय क्या है?